कुल्लू दौरे पर आज कैबिनेट मंत्री महेंद्र ठाकुर रहने वाले हैं। मणिकरण घाटी में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र का दौरा उनके ओर से किया जाएगा। जिला परिषद हॉल में महेंद्र ठाकुर बैठक भी करेंगे और प्रशासन एनएचपीसी समेत अन्य प्रोजेक्ट अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से 2 बजे उनकी बैठक रहने वाली है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कल मणिकरण घाटी में बादल फटा था, अब ऐसे में दौरा यहां पर उनके ओर से किया जाएगा, तो बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी वो देते नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुल्लू दौरे पर आज कैबिनेट मंत्री महेंद्र ठाकुर रहने वाले हैं। मणिकरण घाटी में बादल फटने से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा उनके ओर से लिया जाएगा। तो प्रशासन एनएचपीसी समेत अन्य प्रोजेक्ट अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक रहने वाली है और बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके ओर से दिए जाएंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, तो कुल्लू दौरे पर आज रहेंगे महेंद्र ठाकुर, इसके अलावा देखिए उनका जो ये दौरा है इसमें क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी उनके ओर से किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य बागवानी एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र ठाकुर कुल्लू जिला के दौरे पर रहने वाले हैं। आप बता दें कि बीते दिनों मणिकरण घाटी की चोट में बादल फटने से बाढ़ आई थी, वहां पर वो प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और उसके बाद कुल्लू वापस आएंगे और कुल्लू में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, क्योंकि जल शक्ति मंत्री है और गाँव में पानी की काफी समस्या भी है, क्योंकि बादल फटने के कारण जो पेयजल स्रोत है वो प्रभावित हुए थे। ऐसे में उनकी ओर से कुछ घोषणाएं भी वहां की जा सकती है उनके लिए, साथ ही अधिकारियों से बैठक करेंगे और उसको दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए जाएंगे।